नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशियस फ्लैट लेके आया हूँ। 2 BHK फ्लैट है और ये जो मेरी बिल्डिंग है 110 गज के अंदर बनी हुई है और इसके अंदर फ्रंट और बैक एक यूनिट पे दो फ्लैट बने हुए हैं जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। और बहुत ही सुंदर फ्लैट है। और सबसे पहले चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अग्रवाल प्रॉपर्टीज़ एंड बिल्डर्स एंड अग्रवाल होम्स में आपका फिर एक बार स्वागत कर रहा हूँ। और दोस्तों, आज जो मैं ये बिल्डिंग लेके आया हूँ, ये नियर बाय द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन अग्रवाल होम्स, मेरा प्लर नंबर 771 पर ऑफिस है अग्रवाल होम्स के नाम से, जहाँ आप आकर विजिट कर सकते हैं और इस फ्लैट को ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाऊँगा इसकी एंट्रेंस और इस बिल्डिंग की खूबसूरती और खूबसूरती से किया गया काम। तो दोस्तों, अभी ये जो फ्लैट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अभी चलते हैं हम इसके एंट्रेंस पे। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये मेरी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर यहाँ हम आ गए स्टेयर्स में। इसमें एक यूनिट मेरी फ्रंट साइड पे है और एक बैक साइड पे है, आप देख सकते हैं। तो ये बैक साइड का फ्लैट है और अब मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी इस बिल्डिंग के अंदर। और आप देख सकते हैं इसका ये एंट्रेंस। तो एंट्रेंस पे आप देखें, आ गए हम अपनी बिल्डिंग के अंदर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका वुडन वर्क, सनमाइका, इसका डोर देख सकते हैं, पूरी हाइट का डोर है, 8 फीट हाइट में ये डोर लगाया गया है। और इसके अंदर देखें इसकी सेंटर लॉकिंग और इसका वुडन का काम, आप देखें दोस्तों, बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। और सारी फ्रंट और बैक दोनों तरफ आप देख सकते हैं इसमें सनमाइका पेस्ट की गई है। तो दोस्तों, ये हम आ गए अपने लिविंग एरिया के अंदर, अपने फ्लैट के अंदर। और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे अच्छी खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसका जो डायमेंशन है, अगर आप देखेंगे, ये स्क्वायर के अंदर है। लिविंग स्पेस या लिविंग एरिया जो हमारे पास है वो देख सकते हैं आप, करीब 11 बाई 11 या 12 बाई 12 के आसपास का ये स्पेस आपको मिल रहा है इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जो जिस स्पेस में मैं खड़ा हुआ हूँ, एंट्रेंस करते ही कॉमन वाशरूम उसके साथ ही है, बिल्कुल मेरे साथ में। आप देख सकते हैं ये वाशरूम है, बहुत ही स्पेसियस है और काम भी आप देख सकते हैं, टाइलिंग वर्क भी बहुत सुंदर हुआ हुआ है और सारा कंप्लीटेड वर्क में आपको ये मिल रहा है फ्लैट। इसके अंदर सारा सैनिटरी वर्क सारा कंप्लीटेड होगा। इसके अंदर मैं आपको गीजर लगा के दूंगा वॉशरूम के अंदर। और जैसे कि फ्लैट्स के अंदर हम अपनी वीडियोस के अंदर हमेशा आपको बताते हैं कि फैन वगैरह सारा कंप्लीटेड वर्क में आपको मिलेगा। तीनों रूम्स के अंदर मैं आपको फैन लगा के दूंगा, वॉशरूम में मैं आपको गीजर लगा के दूंगा। और इस फ्लैट के अंदर हमारे पास 2 वॉशरूम है, क्योंकि ये जो फ्लैट है 55 गज फ्रंट साइड और 55 गज बैक साइड ऑन पेपर आपको मिल रहा है, लेकिन ये जो स्पेस है जो ऑन पेपर है उससे बहुत एक्स्ट्रा है। करीब ऑन पेपर 55 गज फ्रंट साइड और 55 गज बैक साइड, लेकिन ये फ्लैट 65 गज के आसपास सुपर एरिया जो है इसका करीब 65 गज है। तो दोस्तों, इसका आप काम भी देख सकते हैं, फॉल सीलिंग आप देखें, बहुत ही सुंदर डिजाइन की फॉल सीलिंग है, अच्छी लाइट लगाई गई है, सुंदर लाइट है। और जितना भी काम हमारा होता है सारा ब्रांडेड होता है, लाइट्स वगैरह सारी कंपनी की लगती हैं, जिसकी 1 से 1.5 साल 2 साल की गारंटी और वारंटी होती है। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं इसका बहुत ही सुंदर वॉलपेपर, वॉलपेपर के साथ ही हमने ऊपर एसी का पाइप इसमें इंस्टॉल किया है, जो कि आपका एसी यहाँ पर लग जाएगा और आउटडोर आपका बाहर बालकनी पर आएगा, जिससे सफोकेशन नहीं होगी। आप ड्राइंग में बैठते हैं, आप अपना यहाँ सोफ़ा लगा सकते हैं, सोफ़ा लगाएं, और सोफ़ा लगाने के बाद यहाँ सेंटर टेबल आएगी, 2 पफ़ी भी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, सोफ़ा या बेड वो मैं लगा के नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे कंप्लीटेड वर्क में फ्लैट चाहिए तो कंप्लीटेड वर्क में भी मैं आपको ये पूरा फ्लैट आपको दे दूंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया वॉलपेपर, और दोस्तों अब आप देख सकते हैं इसकी फ्लोरिंग, आप देखें बहुत ही सुंदर पत्थर लगाया गया इसके अंदर, जो मार्बल हमने लगाया। हर बिल्डिंग के अंदर टाइलिंग वर्क होता है, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर हमने इसमें फ्लोरिंग मार्बल की लगाई है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी इस स्पेस में जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये हमारा लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में आप देखें जो काम किया गया बहुत ही खूबसूरती से, सामने ही आपको LED पैनल दे रहा हूँ, जहाँ मैंने आपको बताया उसके ठीक जस्ट सामने LED पैनल मैं आपको इसमें लगवा के दे रहा हूँ, बना के दे रहा हूँ। आप अपना यहाँ TV प्लेस कर सकते हैं, 32 इंच लगाएं या 55 इंच लगाएं, वो आपकी मर्जी है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँगा, अगर आप फर्स्ट विजिट
फर्स्ट बुकिंग पे मेरे से फ्लैट लेते हैं, तो एक 32 इंच का टीवी मैं आपको अपनी तरफ से गिफ्ट करूंगा फर्स्ट विजिट फर्स्ट बुकिंग पर। तो दोस्तों ये था मेरा जो मैंने आपको स्पेस दिखाया, उसी के सामने ही आप देख सकते हैं लाइव किचन। तो दोस्तों हम खड़े हैं अपनी किचन के अंदर, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जो इसमें हमारे जो बेडरूम है दोनों ही फ्रंट साइड पे हैं, लिविंग स्पेस एंट्रेंस डोर वो सामने है, ये लिविंग एरिया है, उसके ठीक सेंटर में मैं खड़ा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे राइट में और लेफ्ट में दोनों बेडरूम फ्रंट साइड पे आ रहे हैं, जो बालकनी सामने देख सकते हैं अटैच्ड है, और इसमें वॉशरूम अटैच्ड है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं दिखाऊंगा इसकी लाइव किचन। तो दोस्तों आ गए हम अपनी किचन में, तो आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही खूबसूरती का काम किया गया है, और सनमाइका वगैरह भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर डिजाइंस, बहुत ही सुंदर कलर्स की है, टाइलिंग वर्क भी आप देख सकते हैं, मार्बल देख सकते हैं। तो काम की क्वालिटी तो आपको पता ही है, हमारी अपना हमारा जो ब्रांड है अग्रवाल प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर्स और अग्रवाल होम्स। तो आप देखें दोस्तों, ये देख सकते हैं आप टाइलिंग वर्क सॉरी वुडन का काम, और नीचे भी आप देख सकते हैं बास्केट्स वगैरह भी आपको कंप्लीटेड मिल रही हैं, ये भी आप देख सकते हैं। सारा एसएस का ब्रांडेड जो भी कैटलरीज वगैरह की जो भी हम लगा रहे हैं सारा ब्रांडेड है। यहाँ पर भी अब आप देख सकते हैं चिमनी का स्पेस हमने इसमें छोड़ा है, आप देखिए दोस्तों। और दूसरी चीज मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर, ऊपर भी देखिए दो बेल लगी हुई हैं, एक फ्रंट कोई भी आपके घर में आता है तो उसके लिए डोर बेल हमने यहाँ लगा दी है, और एक वाटर टैंक के लिए जो टंकी से कनेक्टेड है, अगर आपकी टंकी ओवरफ्लो होगी तो वो बता देगी कि आपकी टंकी भर गई है। और दोस्तों इसी किचन के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ किचन के अंदर, ये हमने फ्रिज के लिए स्पेस छोड़ा है, फ्रिज भी आपका बिल्कुल सेपरेट आएगा, और चाहे आप डबल डोर लगाएं ट्रिपल डोर लगाएं या सिंगल डोर लगाएं पूरा स्पेस आपको मिल रहा है। तो दोस्तों स्पेस बहुत अच्छा है किचन में भी आप देख सकते हैं, अभी आप देखेंगे बाहर से भी किचन के अंदर इसकी खूबसूरती आप देखें। हमने जो ये पैनलिंग का काम किया है आप देखें, MDF की कटिंग है, ये MDF के अंदर बनाया गया है, वुडन MDF है ये, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मिरर लगाए गए हैं जिससे आप अपना कोई भी सामान अपना यहाँ पर आप सजा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये फ्लैट बनाया गया है। तो दोस्तों अभी मैं लेके चलता हूँ आपको इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर, जो अटैच्ड वॉशरूम के साथ है। तो ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बड़ा बेडरूम है, करीब 10 फीट बाय 9.5 फीट के आसपास है ये। तो इसमें आपका बेड भी आप देख सकते हैं यहाँ सेंटर में, इस कॉलम से लेके और यहाँ तक आपका बेड आता है, 6 बाय 6 का बेड लगता है, तो भी आपका ये स्पेस आपको मिल रहा है क्योंकि वॉशरूम में आने जाने के लिए इतना स्पेस हमें चाहिए। तो दोस्तों ये अटैच वॉशरूम के साथ आपको फ्लैट मिल रहा है, इसमें आप देखें वॉशरूम भी बहुत ही स्पेसियस साइज का है, और इसका काम भी आप देख सकते हैं, जो इसमें टाइलिंग वर्क किया गया है बहुत ही सुंदर डिजाइन की टाइल है, सारा कंप्लीटेड वर्क के अंदर ये मिल रहा है, करीब 6 बाय 6 5.5 बाय 5.5 का ये वॉशरूम है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा, जो इसकी वेंटिलेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो फ्लैट है ये फ्रंट साइड पे है दोनों बेडरूम, ये आप देख सकते हैं इसकी बालकनी के अंदर से इसकी वेंटिलेशन मिल रही है, और ऊपर भी आप देखें एसी विंडो हमने यहाँ दे दी है जिससे आप अपना एसी भी इसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं लेके चलता हूँ आपको इसके, पहले आप देखें इसकी फॉल सीलिंग भी शायद आप मैं बोलना भूल गया, लेकिन आप देखिए एक बार इसका डिजाइन, सिंपल सोवर है, बहुत ही सुंदर लुक के अंदर है ये। तो दोस्तों आ गए हम अपने सेकंड बेडरूम के अंदर, अब आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों सेकंड बेडरूम के अंदर, पहले मैं दिखाऊंगा इसकी वेंटिलेशन, जो हमारी सामने एक वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं वहां पर भी आप देखें हमने वेंटिलेशन दिया है, वो किचन से है, और ये वेंटिलेशन हमने बेडरूम के अंदर, क्योंकि ये शाफ्ट हमने दिया वो हमारे को अटैच्ड मिल रही है किचन से और बेडरूम से, इस बेडरूम के अंदर पूरा ही वेंटिलेशन है, और इसका काम भी आप देखें, वॉलपेपर फॉल सीलिंग सारा बहुत ही सुंदर काम हुआ है।
और बेडरूम साइज भी जो मैंने आपको बताया 10x9.5, तो लगभग इतना ये बेडरूम साइज इसका है, हो सकता है इससे कुछ प्लस ही हो, कुछ कम नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ इसकी बालकनी पर, बालकनी से ही मैं दिखाऊंगा इसकी बेडरूम की वेंटिलेशन। आप देखें यहाँ एसी विंडो हमने दे दी है, और अभी बालकनी में खड़ा हूँ, करीब 11 फीट 12 फीट लंबी बालकनी में मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पर आपको देखिए फ्रिज का एक पॉइंट हमने यहाँ दे दिया है, और टैप्स भी यहाँ दी है, जिससे कि आपकी वॉशिंग मशीन आप यहाँ लगा सकते हैं, और कपड़े सुखाने में भी आपको बहुत अच्छा स्पेस मिल रहा है। तो दोस्तों फ्रंट पे आप देखें, यह हमने यहाँ पर SS का वर्क किया है, जो रेलिंग हमने लगाई है, और साथ में हैंगिंग के लिए कपड़े वो हैंगर भी हमने लगा दिए हैं, जिससे आपके कपड़े सूख सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फ्लैट के अंदर। तो दोस्तों आ गए हम अपने फ्लैट के अंदर, और अब मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैक्सिमम लोन। तो दोस्तों मैं अपने भांजे को बुलाना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों ये है अनमोल अग्रवाल, मेरा भांजा, जो आपकी सेवा में अग्रवाल होम्स में आपको हमेशा मिलेगा। जब भी आप फ्लैट विजिट करेंगे तो वो ये आपको फ्लैट भी विजिट कराएगा और आपके सपने के घर को साकार बनाएगा। तो दोस्तों मैं उसके लिए एक चीज़ आपको और कहना चाहूँगा, मेरी किसी भी बिल्डिंग के अंदर मैक्सिमम लोन, चाहे वो 90% हो, 80% हो, या 99% हो, जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी, तो आपके फ्लैट को हम आपके लोन को कराएंगे और आपके सपनों के घर को साकार बनाएंगे। और दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, जो रेट्स वाली बात है, क्योंकि बिल्डिंग का मैंने अभी आपको रेट नहीं बताया। तो ये जो फ्लैट है मेरे पास अभी, इसमें अवेलेबल है फ्लैट, और 23 लाख रुपये के बजट में है, 23 लाख रुपये का फ्लैट है ये, और मेट्रो स्टेशन से अराउंड 800 मीटर डिस्टेंस पे है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा आप जल्द से जल्द आएँ, अपने सपनों के घर को साकार बनाएँ और फ्लैट को बुक कराएँ। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।